हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू साइंशिया हर रोज डे बाय डे द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन इज एग्रावेटिंग दिन प्रतिदिन जो कोविड नाइन्टीन का जो इम्पैक्ट है अगर मैं कहूँ तो जो सिचुएशन है तो वो लगातार जो है वो बिगड़ती ही जा रही है मतलब अभी तक लास्ट वीक तक सिचुएशन ये थी कि लगभग टू पॉइंट फाइव लैख और यू कैन सी दैट की मोर देन टू पॉइंट फाइव लैख केसेस रिपोर्टेड एवरी डे हम जो है डेली जो है वो हर रोज जो है वो मोर दैन टू पॉइंट फाइव लाइक केसेज जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया में एंड जो डेथ का रेट है मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं वो भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ी रहा था जैसे वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड इज एंड इट और फिर अभी तो ये सिचुएशन हुई कि नाउ इट्सो हैज रीच टू दीन्स लेवल ऑफ टू थाउजेंड और दो हजार से भी ज्यादा इवन ठीक है तो हमने जैसे मैंने मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी बात की थी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन और ऐसा हो क्यों रहा है इसके जो रीजंस क्या हैं चाहे वो हमारी लापरवाही हो जो हम मास्क वगैरह या प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं या जो वायरस का जो है उसका जो म्यूटेशन हो रहा है जो नए नए वेरियंट्स बन रहे हैं या वो रीजन है तो मतलब एक तरह से कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो ये नंबर ऑफ केसेस में जो सर्ज देखने को मिलता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें हम भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वायरस तो फिर हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो तो तरह और तरह और तरीके से म्यूटेट हो रहा है और नए नए तरीके से वेरियंट बन रहे हैं और अपनी जो इवेडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है सो तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी कि डबल म्यूटेंट आया ठीक है डबल म्यूटेंट आया फिर उसके बाद ट्रिपल म्यूटेंट आया बट नाउ द न्यूज इज दैट कि एक नया वेरियंट फाइंड आउट किया गया है इन द वेस्ट बंगाल में एंड दैट इज मोर डेंजरस क्योंकि इसका जो इवेडिंग कैपेसिटी है डेट इज क्वाइट हाई इट हैज़ बिन रिपोर्टेड कि इसका जो इवेडिंग कैपेसिटी है इवन इट कैन इवेड वेड द स्ट्रोंगेस्ट इम्यून सिस्टम ऑल्सो इसका इतना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है जो ये न्यू वेरियंट फाइंड आउट किया गया है विच इज यट बट इसमें बीच में एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो एक ओरल ड्रग थी जिसकी टेस्टिंग चली हुई थी तो डेट इज ऑल्सो इन द फाइनल जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है एंड डेट इज डैट हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव फॉर दिस कोविड नाइनटीन एटलीस्ट उसके इफेक्ट को थोड़ा कम करने में वो हेल्पफुल है एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड इन द रिसर्च ट्रायल्स में सो एनीट्स इन ब्रीफ दैट वट इज हैपनिंग सो यू कैन सी दैट कि अगर हम आज की बात करें तो टूडे इंडिया हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ कोविड नाइन्टीन केसेज पर डे अगर हम बात करें तो आज इंडिया में वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से अगर हम सभी कंट्रीज को कंपेयर करें तो इंडिया में आज की डेट में जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है आज की डेट में सबसे ज्यादा केसेज जो है रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना वायरस के सो वी कैन सी दैट इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाइस्ट वर्ल्ड हाइस्ट नंबर ऑफ कोविड नाइन्टीन केसेज इन वन डे एंड नंबर ऑफ डेथ इज आल्सो ए रिकॉर्ड फॉर इंडिया तो अगर हम कोविड के की बात करें तो यू कैन डेट की टूडे आज का ही न्यूज है नोवल कोरोना वायरस ऑन थर्स इज द बिगेस्ट डेली इंक्रीज रिकॉर्डेड इन देंडेमिक्रॉस दर्ल्ड सो फार तो अभी तक मतलब इतने हाइएस्ट है एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये तो कि इतने ज्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए

एनीवे वे डिफरेंट डिफरेंट इशू हैं बट आई मस्ट सजेस्ट डेट कि मैं तो यही करूंगा कि कहूंगा कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर तो इन सिचुएशन यहाँ तक का हो गई है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो दे सस्पेंडेड देयर फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया ड्यू टू सर्च इन नंबर ऑफ कोविड नाइन्टीन केसेज इन इंडिया तो एक तरह से वो इकोनॉमिक लॉस भी है इंडिया के लिए तो हर तरह से मतलब कह सकते हैं कि हर तरह से जो इसका इम्पैक्ट है कोविड नाइनटीन का वो एक्चुअली बढ़ ही रहा है चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो इकोनॉमिक सेक्टर में हो या हमारी लाइवलीहुड फाइंड आउट किया गया है वेस्ट बंगाल में तो इसका नाम रखा गया है एंड इट हैज मेजर म्यूटेशन इट हैज ए मेजर म्यूटेशन एट ई फोर एट फोर के एंड डिफरेंट इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड वेरियंट ठीक है जी विच है रिजल्ट ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ सिस्टम सो हम हमें पता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंडिया ने भी एक जो कंसोर्शियम इस्टेब्लिश किया था कि इंसा कोग मीन्स इंडियन सार्सकोब टू कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक्स जैसे कि मैंने बताया कि हमें कैसे पता लगता है कि न्यू 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 वेरियंट्स आ रहे हैं हम जिनोम सिक्वेंसिंग करते हैं तो उसके एनालिसिस वी कैन वी कैन ट्रैक डाउन द हिस्ट्री ऑफ द नोवल वेरियंट्स एंड कुड बी देयर इंपैक्ट हाउ लार्ज इज देयर इंपैक्ट एंड वी कैन द इफेक्ट ऑफ इन्पफुलिस न्यू वेरियंट्स सो ये जो कंसोर्शियम है इंडियन साउटोर्सियम ऑन जीनोमिक्स ऑफ दिस कोरोना वायरस

but this new variant it has a major mutation that is called as e484k एट फोर के ठीक है एंड जैसे कि जब म्यूटेशन होती हैं कोरोना वायरस में जो इसके जनऊ में जब म्यूटेशन होती हैं तो एक्चुअली डेट ब्रिंग्स न्यू चेंजेस टू इट्स स्पाइक प्रोटीन टू इट्स इवेडिंग कैपेसिटी सो इट हैज बीन फाउंड डेट दिस कोरोना वायरस में जब म्यूटेशन होती है तो की uh, 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 so uh, चेंजेस है, तो आते हैं उसमें तो जिसके स्पाइक प्रोटीन में एंड डेट इनक्रीज इस जो इवेट करने की कैपेसिटी होती है ह्यूमन इम्यून सिस्टम को उसको बढ़ाता है जो या उसको इफेक्ट करने की कैपेसिटी है तो इट द वेस्ट बंगाल बी पॉइंट देर आर फोर करेक्टरिस्टिक म्यूटेशन एंड इसका जो इफेक्ट है ना इट इज क्वाइट डेंजरस हैज बीन फाउंड दैट की इसकी जो इंक्रीज कैपेसिटी है टू इनफेक्ट एंड एस्केप द इम्यून सिस्टम इवन इतना स्ट्रोंगेस्ट है कि अगर आपको पहले भी कोरोना वायरस मतलब एंटीबॉडीज भी डेवलप हो गई हैं ठीक है थेके? तो वह उस एंटीबॉडी को भी ये एस्केप कर देगा मतलब उसका मतलब आपका स्ट्रोंगेस्ट इम, इम्यून सिस्टम होगा उसको भी इवेट कर देगा इसमें इतना पोटेंशियल है ये जो न्यू वेरियंट है तो वी कैन सी डेट की सिचुएशन इज क्वाइट अलार्मिंग एंड क्वाइट डेंजरस तो हमकी इट इज नॉट क्लियर डेट कितने नंबर ऑफ केसेज में ये कितने केसेज फाइंड आउट किए गए हैं इसके बेस्ट बंगाल में एंड स्टिल द स्टडीज गोइंग ऑन एंड हम ये नहीं कह सकते दिस इज द सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज फाउंड इन द वेस्ट बंगाल सो आई एज आई ऑलरेडी टोल्डलेटिव इफेक्ट है कहीं जगह डबल म्यूटेंट रिस्पॉसिबल है कहीं जगह कोई और म्यूटेंट जो, जो, so, जो वेरियंट so, जो, so, जो है रिस्पॉन्सिबल है तो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियंट हैं कोविडीन के वो इफेक्ट कोज कर रहे हैं तो सिचुएशन इज क्वाइट अलार्मिंग एंड इन बिटवीन दैट की एक और ड्रग की डिस्कवरी जो रिसर्च ट्रायल थे उसके इफेक्टिव जैसे ऑन द कोविड नाइनटीन वो चले हुए थे तो इट है एक औरल ड्रग जो है ज डेट हेज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन पुटिंग द करब ऑन दिस स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन औरल ड्रग मीन्स की बिच बी टेक्स थ्रो द माउथ चाहे वो आपकी टेबलेट्स होती हैं कैप्सूल होती है ड्रिंकिंग जो मेडिसिन होती हैं ठीक है चाहे वो बिच भी टेक ओरली लेते हैं जो कि हम थ्रो द माउथ ठीक है दे आर ओरल ड्रग्स तो इस तरह से एक औरल डी जो यूएस के बेस्ड यूएस बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है ठीक है और यूनिवर्सिटी ऑफ प्ले माउथ है इन द यूनाइटेड किंगडम

तो वी कैन सी डेट की एक तरह से हमारे पास एक और बेपन आ जाएगा एक और मतलब अगेंस्ट द कोविड नाइनटीन ठीक है तो एक तरह से एक और बेपन आ जाएगा हमारे पास की कोविड नाइनटीन से लड़ने के लिए मतलब इसका जो इफेक्ट है इफेक्ट उसका स्प्रेड को भी इफेक्ट को, जो सास को, जो उसके को ये कम कर देगी ठीक है तो यून सीन सो विद इज अबाउट दिस इज ऑल अबर एंड आई मै से प्लीज यू कैन सी दैटुएशन लार्मिंग आप सभी भी डेली न्यूज में सुन रहे हैं कि इट क्वाइट सिचुएशन है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और इसका इंपैक्ट जो है कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ आज भी मैं देखता हूँ अभी जहां पे मैं रहता हूँ तो वहाँ मैं आई कैन सी दैट इन द नॉट रियलाइजिंग अभी अगर आप देख सकते हैं तो मेनी पीपल आर गेटिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और इन दिल्ली बट स्टिल द पीपल आर केयरलेस आई डोंट नो वाई वट इज द रीजन एक्चुअली बट अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो दूसरों की से, दूसरों की तो लाइफ से तो करो एटलीस्ट एनी वे वट एवर इज एट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड प्लीज बी सेफ एंड विद दिस आई विल एंड टुडेस वीडियो एंड प्लीज स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ अगर इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड लाइक uh, like करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच